Good morning, everybody. Friends, 11th account bank reconciliation statement revision day 2 में आप सबका स्वागत है. मैं सीएस संदीप देसरडा आप सबका वेलकम करता हूँ. सो कौन कौन इस वक्त ज्वाइन है? इट इज तेजस, आदिति, खुशी, मिस्टर मंजू, सृष्टि, स्नेहा, समृद्धि, ओम मंजू, हैप्पी होली, दिया, सिद्धि, अथर, प्रणव, आयुष, श्रुतिका, हर्षाली, सार्थक, गौरी, सिद्धार्थ, संयुक्ता, तृप्ति, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. कल हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फर्स्ट लेक्चर हमने किया था, इन विच वी डिस्कस वन प्रॉब्लम. And as far as your revision is concerned, I am going to discuss only two problems. एक मैंने कल किया था, आज हम second problem करेंगे. So my sincere request to all of you कि आप एक काम कर लें सर, ये problem number second मुझे आज करना है. मैं थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा advanced problem आज मैं कराने वाला हूँ. So please आप एक काम कर लें, leave one back to back page for writing the problem. हाँ, कम से कम डेढ़ पेज का आज problem मैं आपको लिखवा के देने वाला हूँ. एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आपको दिया जाता है, दी कॉजेज ऑफ डिफरेंस विल बी गिवन टू यू, 8 to 10 कॉजेज दिए जाएंगे और उसका आपको स्टेटमेंट करना है. बट मैं एक ही प्रॉब्लम बहुत सारी चीज़ें आज मैं कवर कर लूँगा. सो कम से कम आप दो पेजेस बैक टू बैक छोड़ दीजिएगा, दो नहीं एक बैक टू बैक छोड़ दीजिएगा प्रॉब्लम लिखने के लिए. और अगले दो पेज पर आप ये स्टेटमेंट बना लें, पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. एक पूरा पेज होगा ऐड के लिए और एक पूरा पेज होगा लेस के लिए. सो पहले आप इस तरह से पेजेस बना लें, दो पेजेस, ठीक है. एंड ऑन द नेक्स्ट पेज फिर आप दो टी बना लें वहाँ पर, जो कि हमारे लिए जरूरी होता है टू डिसाइड वेदर द पर्टिकुलर आइटम इज टू बी एड और लेस. ये डिसाइड करने के लिए हमें टी की जरूरत पड़ने वाली है. मैं मेरे लिए दो टीज एक्स्ट्रा बना के रख रहा हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ सकती है आगे. कैशबुक एंड पासबुक, आर यू रेडी? राजेश्वरी, वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी होली. संयुक्ता, तृप्ति, वेरी गुड मॉर्निंग एंड विश यू ऑल द बच्चा पार्टी, विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली. ठीक है, होली के रंग आपके जीवन में बिखरे बरसे, ठीक है. आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड सभी को मेरी ओर से होली की बहुत बहुत बधाई. चलिए बेटा जी, उम्मीद करता हूँ आपने दो पेजेस बनाए होंगे यहाँ पर फॉर द स्टेटमेंट पर्पस. एक में मैं पूरा का पूरा ऐड लिखूंगा, एक में पूरा पूरा लेस लिखूंगा. मैं एक ही प्रॉब्लम आज करने वाला हूँ. कल मैंने एक ऑलरेडी बेसिक प्रॉब्लम लिया हुआ है, आज थोड़ा सा एडवांस प्रॉब्लम करेंगे. एंड आई गेस आपके 11th अकाउंट्स के लिए इतना आपके लिए डेफिनेटली सफिशियंट है, ठीक है.
इतने दो प्रॉब्लम आप कर लीजिएगा सर, मस्ती से एग्जाम को जाइए, मेरी ओर से 100% गारंटी आप लोग BRS में पूरे नंबर लेके आएंगे, दैट इज वेरी श्योर। ठीक है, अब वो बात अलग है कि आपकी एग्जाम होती है नहीं होती है, गॉड नोज। ठीक है, हाँ आज फाइनल उड़िया है 1:30, थैंक्स फॉर रिमाइंडर। इंडिया इंग्लैंड का मैच है, देख रहे हैं मजा आएगा, संडे है। ठीक है, दो मैच में सीरीज इक्वल लेवल पर है, और पिछले मैच में क्या धोया इंग्लैंड ने हमको, है ना, बदला लेंगे इस बार हम लोग। पार्ट कह रहे हैं सर सारा कॉलेज की एग्जाम ऑनलाइन है, 3 दिनों में है। आई गेस आपका 31st को अकाउंट्स का पेपर है ना, तो ठीक है आज अपना BRS खत्म हो जाएगा, कल मैं आपका कैश बुक करा लूंगा, उसके बाद आई विल गो फॉर फाइनल अकाउंट, दो लेक्चर में फाइनल अकाउंट हो जाएगा, 4 चैप्टर तो आपको वैसे ही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए प्लीज आइड द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 2, वेट डाउन, मिस्टर एज पासबुक इज शोइंग balance ₹60,000 on the basis of following information prepare BRS। और बेटा जी मैं क्या प्रॉब्लम लेना, और इस वक्त मेरे पास कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, सब कुछ मेरे दिमाग में है। ठीक है, CA फाउंडेशन CA इंटरमीडिएट को पढ़ाता हूँ, इसलिए दिमाग में अकाउंट्स पूरी तरह से भिना हुआ है सर। ठीक है, कब बच्चों से क्या करवाना है, किस तरह का आज का प्रॉब्लम जाएगा, बस इतना है कि सर आज का प्रॉब्लम एडवांस लेवल पर जाएगा। ठीक है, और मैं हमेशा चाहता रहता हूँ कि बच्चे सिर्फ 11th और 12th को फोकस ना करें, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी जो लेक्चर को देख रहे हैं वो सारे बच्चे आगे फ्यूचर में चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, कंपनी सेक्रेटरी बने। ठीक है, इसके लिए हम लोग CA फाउंडेशन CA इंटरमीडिएट को भी पढ़ाते हैं, एंड इन दैट केस इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन फॉर आर CA फाउंडेशन CA इंटरमीडिएट, आप आगे चल के जब करें, ठीक है, सो इन दैट केस यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। ठीक है, हमारे सभी लेक्चर्स के पेन ड्राइव्स ऐप पर भी हमारे लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, आप चाहे तो हमारी फेस टू फेस बैच भी कर सकते हैं, आप चाहे तो हमारा पेन ड्राइव भी परचेस कर सकते हैं फॉर ऑल द लेवल्स 11, 12, ऑल सब्जेक्ट, फाउंडेशन ऑल सब्जेक्ट, इंटर ऑल सब्जेक्ट, हमारा पेन ड्राइव ऐप बिल्कुल अवेलेबल है, आप वहाँ इस नंबर को कॉल करके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, एंड यू कैन बाय आर लेक्चर, घर पर रहकर भी आप पूरा लेक्चर बिल्कुल 100% विद क्लियरिटी, विद फुल अंडरस्टैंडिंग, विद फुल कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी कर सकते हैं। ओके बेटा, सो विद दिस नाउ लेट्स कम टू हियर, नाउ मिस्टर एज पासबुक शोइंग अ बैलेंस ऑफ 60,000, अब पासबुक का बैलेंस 60,000, अब कौन सा बैलेंस इज नॉट गिवन टू यू। सो कई बार ऐसा होगा प्रॉब्लम के अंदर कि आपको सिर्फ कैशबुक और पासबुक का बैलेंस दिया जाएगा, लेकिन कौन सा बैलेंस है, इज इट अ डेबिट ऑफ क्रेडिट इज नॉट गिवन, इन दैट केस ऑलवेज अज्यूम इट इज अ फेवरेबल बैलेंस, हमेशा अज्यूम करने का, कौन सा अज्यूम करने का, फेवरेबल। सो ऑटोमेटिकली अगर कैशबुक का कोई बैलेंस या फिर पासबुक का बैलेंस आपको नहीं दिया, तो कैशबुक का फेवरेबल मतलब हमेशा डेबिट होता है, एंड पासबुक का फेवरेबल मीन्स ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, गॉट इट। सो अगर कोई बैलेंस आपको डेबिट है या क्रेडिट है ये नहीं दिया, तो अगर कैशबुक का दिया है तो बाय डिफॉल्ट इट विल टेकन एज अ डेबिट बैलेंस, एंड फॉर पासबुक इट विल बी ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। इसलिए यहाँ पर आपको दिया है मिस्टर एज पासबुक शोइंग अ बैलेंस, अब भाई शोइंग अ बैलेंस मतलब कौन सा ये नहीं दिया, मतलब ही वो कौन सा माना जाएगा, फिर इट विल बी
क्रेडिट बैलेंस हमेशा फेवरेबल अज्यूम किया जाएगा. सो प्लीज राइट डाउन योर बैंक रिकर्सिव स्टेटमेंट, प्लीज राइट डाउन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए. कभी भी किसी भी सॉल्यूशन के ऊपर किसके बुक्स में लिख रहे हैं सर, वो हमेशा आपको लिखना है इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए. बैंक रिकंसिडर स्टेटमेंट, प्रॉब्लम अगर डेट दिए तो डेट लिख दीजिएगा, नहीं दिए तो एज ऑन लिख कर छोड़ दीजिएगा. एंड राइट डाउन क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 60,000. और क्योंकि आपका क्रेडिट बैलेंस है तो जो टी आपने बनाया सर, इस टी के ऊपर आपकी जो साइन आएंगे दैट साइन विल बी प्लस माइनस प्लस माइनस, इट विल बी प्लस माइनस प्लस माइनस. गॉट इट? अगर ये आपका डेबिट बैलेंस होता तो द साइंस वुड हैव बीन रिवर्स एंड इट विल बी माइनस प्लस माइनस प्लस. बढ़िया है सर, आगे बढ़ते हैं. राइट डाउन नंबर वन, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक रुपीज 10,000. अभी कॉजेस ऑफ डिफरेंस गिवन टू यू. नंबर वन, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक. हमने चेक डिपॉजिट किया लेकिन बैंक ने कलेक्ट नहीं किया, लेकिन हमने तो डिपॉजिट किया, मतलब एंट्री कैश बुक में हो गई. और एंट्री कैश बुक में क्या हो गई सर, आपको हमेशा ये देखना है कि जो भी ट्रांजैक्शन आपका बैंक के साथ होता है उससे या तो हमारा बैलेंस बढ़ेगा या तो फिर हमारा बैलेंस घटेगा. अगर हमारा बैलेंस बढ़ता है, बेटा ध्यान रखिएगा, अगर हमारा बैलेंस बढ़ता है तो इट इज़ ऑलवेज कैश बुक का डेबिट साइड एंड पासबुक का क्रेडिट साइड. अगर हमारा बैलेंस कम होता है तो कैश बुक का क्रेडिट साइड, पासबुक का डेबिट साइड में आपको एंट्री लिखना है. और अब हमने चेक डिपॉजिट किया, हमारा बैलेंस बढ़ गया, हमारा बैलेंस बढ़ गया, सो कैश बुक को डेबिट लिख दीजिएगा. नंबर वन कितना 10,000, कैश बुक को डेबिट लिख दीजिए 10,000 और ऊपर साइन क्या है प्लस, सो ये हो जाएगा आपका ऐड. तो दो पेजेस आपने बनाए होंगे यहाँ पर, वन इज फॉर ऐड एंड वन इज फॉर लेस. एक पूरा पेज ऐड के लिए और एक पूरा पेज इस बार आप लेस के लिए रखेंगे. ठीक है, तो ऐड में लिखेंगे आप लोग चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक. इट इज नंबर वन, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक इन द इनर कॉलम रुपीज 10,000, रुपीज 10,000. एक काम करते ना, मिस्टर एज पासबुक इज शोइंग बैलेंस रुपीज 60,000 ऑन 31st March 2022, ऐसा लिख दो उसके आगे. एंड बैंक रिकंसिडर स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 2022. मैंने डेट लगा दी वहां पर, कुछ तो गजब करूंगा ना मैं आपके साथ में आगे. क्लियर है सबको? प्लस 10,000, बिल्कुल ग्रेट. और बच्चे ना फटाफट फटाफट रिप्लाई कर दीजिएगा. ओके बेटा, चलिए नंबर दो, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज 30,000 of which check of rupees 18,000 collected by bank, of which check of rupees 18,000 collected by bank. हमने कुल मिलाकर बैंक में चेक डिपॉजिट किए 30,000, उसमें से 18,000 इज कलेक्टेड बाय बैंक. तो हमने चेक डिपॉजिट किया 30,000, मतलब हमने जो एंट्री की है बुक्स में इट इज ऑफ रुपीज 30,000, लेकिन बैंक ने उसमें से सिर्फ 18,000 के ही चेक कलेक्ट किए. तो इफेक्ट क्या आएगा इसका, देखिए हमने डिपॉजिट किया 30,000, ठीक है, सो कैश बुक के डेबिट में 30,000, लेकिन
पासबुक में कितना क्रेडिट हुआ, सिर्फ 18,000। सो बैंक का एंट्री कर देंगे 18,000 की। बस अब ऊपर साइन देख लीजिएगा, 30,000 प्लस एंड 18,000 माइनस। सो 30,000 प्लस एंड 18,000 माइनस, योर नेट इफेक्ट इज 12,000 प्लस। इसका फाइनल इफेक्ट क्या आएगा, प्लस 12,000। ये पहला इफेक्ट था प्लस 10,000। गॉट इट? सो यस उदय बिल्कुल करेक्ट है तुम्हारा, इट इज प्लस 12,000, ये एड में जाएगा। नंबर टू, नंबर टू लिखेंगे आपको, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज 30,000 ऑफ विच चेक ऑफ 18,000 ऑफ विच चेक ऑफ 18,000 कलेक्टेड बाय बैंक। उसमें से 18,000 के चेक बैंक ने कलेक्ट किए। तो जहां पर जो एंट्री हो गई कैश बुक में, पासबुक में, वो एंट्रीज, वो आंकड़े आपको लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं सर। बिल्कुल सही है दिया, आदिति, हर्षाली, यह श्रुतिका, अचर, गरिमा, ऑल आर करेक्ट। भाई ये मिस्टर ए को मैंने जरा बता दें यहाँ पर, ठीक है। अदर्स आई एम गोइंग टू ब्लॉक यू, हाँ दिस इज द लास्ट वार्निंग टू यू। आप कौन है, आप अपना आइडेंटिटी बता दें, अदरवाइज आई एम गोइंग टू रिमूव यू। नंबर तीन, चेक डिपॉजिटेड ऑफ रुपीज 10,000 ऑफ विच चेक ऑफ रुपीज 6,000 कलेक्टेड बाय बैंक On 5th April, of a check of 6,000 collected by bank on 5th April. मुझे बताइए सर, BRS में मेरा final add या less कितना आएगा, plus या minus, जो भी आएगा कितना आएगा ये जल्दी से बता दे आप लोग। हमने चेक डिपॉजिट किए 10,000 के, जिसमें से 6,000 के चेक बैंक ने क्लियर किए ऑन 5th अप्रैल। सो व्हाट विल बी योर आंसर, फाइनल ऐड और लेस कितना आएगा, दैट इज माय फाइनल क्वेश्चन टू यू। देखिए हमने चेक डिपॉजिट किया 10,000 का। सो सबसे पहले हमने डिपॉजिट किया 10,000 ऑफ विच चेक ऑफ रुपीज 6,000 कलेक्टेड ऑन 5th अप्रैल। अब देखिए हमारा BRS कब का है, 31 मार्च का है, बराबर है 31 मार्च का है, और वो कहते हैं कि उसमें से 6,000 के चेक अप्रैल में कलेक्ट हुए। सर इसी का मतलब ये है कि मुझे देखना है कि क्योंकि मैं BRS आई एम गोइंग टू प्रिपेयर ऑन 31 मार्च, तो 31 मार्च तक क्या हुआ सर, ये मुझको देखना पड़ेगा, क्योंकि 6,000 के चेक अप्रैल में कलेक्ट हुए, 6,000 के चेक अप्रैल में कलेक्ट हुए। सर इसी का मतलब ये है कि बैलेंस 4,000 के चेक आपके मार्च में कलेक्ट हुए। बेटा आप समझ रहे हैं इस बात को, आई एम रीडिंग दिस पॉइंट हियर। 4,000 के चेक, तो बैंक ने हमारी एंट्री 31 मार्च तक 4,000 की एंट्री कर दी ना, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। हमने डिपॉजिट किया, हमने कैश बुक को डेबिट किया 10,000, 6,000 के चेक अप्रैल में कलेक्ट हुए, 5 अप्रैल को कलेक्ट हुए, तो अगले महीने में 6,000 के कलेक्ट हुए। मतलब सर इस महीने बाकी कलेक्ट हो गए ना फिर आपके, यही तो उसका मतलब है भाई। बात इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बात के पीछे की बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6,000 के चेक 5 अप्रैल को कलेक्ट हुए, ये हुई बात। इसी के पीछे की बात यह है कि 4,000 के चेक आपके ऑलरेडी अप्रैल में कलेक्ट हो गए, सॉरी मार्च में कलेक्ट हो गए। सो अल्टीमेटली 10,000 प्लस एंड 4,000 माइनस, दिस इज द नेट आंसर इज रुपीज
प्लस 6,000, ये आएगा प्लस 6,000, गॉट इट? सो प्लीज राइट डाउन नंबर तीन. चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज 10,000, ऑफ विच चेक ऑफ 6,000 कलेक्टेड ऑन 5th April. इट इज प्लस 6,000. चेक अप्रैल में कितने कलेक्ट हुए ये आपको दिया, मतलब ये बैलेंस चेक आपके मार्च में कलेक्ट हो गए. तो टी पर आपको ये देखना है कि 31 मार्च तक क्या क्या ट्रांजेक्शन डेबिट क्रेडिट में हो गए. दैट्स इट. एंड ऊपर का साइन देखिए, यू हैव टू फाइंड आउट दी वेदर इट इज अ प्लस और माइनस. नेक्स्ट नंबर 4, चेक डिपॉजिटेड एंड कलेक्टेड बाय बैंक. चेक डिपॉजिटेड एंड कलेक्टेड बाय बैंक रुपीज 5,000 बट NRCB. हमने चेक डिपॉजिट किया, बैंक ने उसे कलेक्ट भी किया, लेकिन हम उसे कैश बुक में लिखना ही भूल गए. तो कोई कस्टमर का चेक आया था, हमने बैंक में डिपॉजिट किया, लेकिन वो हमने एंट्री नहीं की. हमने हमारे कैश बुक में जो एंट्री करनी चाहिए थी डिपॉजिट की, हमने की नहीं, लेकिन वो बैंक में कलेक्ट हो गया. बैंक में कलेक्ट हो गया तो बैंक ने हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, हमारा बैलेंस बढ़ गया. बैलेंस बढ़ गया तो पासबुक का क्रेडिट. हमने अगर डेबिट लिखा होता, लिखना चाहिए था, तो क्या होता, कैश बुक का डेबिट 5,000 ऊपर साइन प्लस एंड पासबुक का क्रेडिट 5,000 ऊपर साइन माइनस. सो प्लस 5,000 माइनस 5,000, देयर इज नो रिकंसिलिएशन. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमने कैश बुक में नहीं लिखा. जो हुआ वही देखो. डोंट डू रेक्टिफिकेशन. अभी ये मत कहे कि हम लोग लिख लेंगे. अरे भाई अब वो टाइम गया. अभी जो हुआ है उसके बेसिस पर सिर्फ और सिर्फ पासबुक को क्रेडिट है 5,000 रुपये, कैश बुक को कुछ भी नहीं है सर. 5,000 ऊपर साइन है माइनस, सो दिस विल बी लेस 5,000. ये हो जाएगा आपका लेस. सो लेस का खाता खुल गया सर, लेस का खाता खुल गया. सो प्लीज राइट डाउन यहाँ का नंबर 1, या फिर आप चाहे तो सीरियसली नंबर 4 लिख दे इसका, ताकि कन्फ्यूजन ना रहेगा. नंबर 4, इट इज चेक डिपॉजिटेड एंड कलेक्टेड बाय बैंक रुपीज 5,000 बट NRCB. अमाउंट कॉलम में 5,000. नेक्स्ट नंबर 5, चेक ऑफ रुपीज 4,000 डिपॉजिटेड बट गेट डिसऑनर. हाउएवर चेक डिसऑनर एंट्री इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स.
However, check dishonor entry is not recorded in books. हमने चेक डिपॉजिट किया लेकिन वो बाद में डिसऑनर हो गया, लेकिन डिसऑनर की एंट्री हमने बुक्स में एक पास ही नहीं की, तो सिंपल सी बात है, इस बार क्या हो जाएगा सर? हमने चेक डिपॉजिट किया 4000 का, तो जैसे चेक हमने डिपॉजिट किया हम लोग कैश बुक को डेबिट कर देंगे, और बाद में जब एक चेक डिसऑनर हो जाएगा तो इस एंट्री को हमको रिवर्स करना पड़ता है, क्रेडिट में लिखना पड़ता है 4000। अगर हमने जो डिपॉजिट किया वो चेक डिसऑनर हो गया और डिसऑनर में अगर हम चेक को रिवर्स कर देते हैं तो कैश बुक को डेबिट 4000, कैश बुक को क्रेडिट 4000, तो 4000 प्लस 4000 माइनस, सो इन दैट केस देयर इज नो नीड ऑफ रिकंसिडरेशन। लेकिन 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 क्या हुआ, हमने डिसऑनर की एंट्री पास ही नहीं की, हमने कैश बुक को जो क्रेडिट करना चाहिए हमने क्रेडिट किया ही नहीं है, मतलब हमने सिर्फ डिपॉजिट की एंट्री करके रखी है। तो चेक डिसऑनर जब भी आए ध्यान रखना पहले हमने उसको डिपॉजिट किया है तभी तो जाके डिसऑनर होगा, और डिसऑनर की एंट्री नहीं की लेकिन डिपॉजिट तो एंट्री कर दी आपने, सो ये कैश बुक को 4000 रुपये डेबिट है, सुपर साइन है प्लस, सो ये हो जाएगा प्लस 4000, ये हो जाएगा एड, सो एड में लिखा जाएगा नंबर 5, नंबर 5 चेक डिपॉजिटेड एंड डिसऑनर्ड, चेक डिपॉजिटेड बट गेट डिसऑनर्ड, बट डिसऑनर एंट्री इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, रुपीज 4000। यस बिल्कुल हो जाएगा एड 4000। नेक्स्ट नंबर 6, चेक इशूड टू क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 16000 ऑफ विच चेक ऑफ रुपीज 10000 presented for payment on 7th April. हमने कुल मिलाकर 16000 रुपए के चेक इश्यू किए, उसमें से 10000 के चेक 7 अप्रैल को प्रेजेंट हुए। बताइए प्रभु इसमें क्या होगा? हमने चेक इशू किया 16000 का, जिसमें से 10000 के चेक बैंक के पास आए 7 अप्रैल को 10000 के चेक आए सर, ये हुई बात, और इस बात के पीछे की बात को ढूंढिएगा, बात के पीछे की बात को समझिए। सो क्या हो जाएगा बेटा? नंबर 6, हमने चेक इशू किए 16000 के, सो कैश बुक को क्रेडिट क्योंकि बैलेंस कम हो गया, और उसमें से 10000 के चेक बैंक में प्रेजेंट हुए ऑन 7th अप्रैल, 10000 के चेक 7th अप्रैल को प्रेजेंट हुए, इसी का मतलब बाकी के चेक तो 31 मार्च तक प्रेजेंट हो गए, और मुझे तो देखना है कि 31 मार्च तक क्या हुआ है बेटा, तो इसका मतलब यह है कि 6000 के जो चेक है वो बैंक में 31 मार्च तक प्रेजेंट हो गए, अप्रैल में 10000 आए, मतलब बाकी के मार्च में आ चुके, ये उसका मतलब है, ठीक है। तो अल्टीमेटली 16000 ऊपर साइन माइनस, तो 16000 माइनस एंड 6000 प्लस, इट इज माइनस 10000, ये हो जाएगा आपका, इट इज माइनस 10000, इट इज माइनस 10000, सो ये जाएगा लेस में नंबर 6, चेक इशू ऑफ रुपीज 16000
of which check of rupees 10,000, check of rupees 10,000, not check of rupees 10,000 presented for payment on 7th April. क्लियर सबको? नेक्स्ट नंबर सेवन, चेक इश्यूड एंड प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इश्यूड एंड प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बट एनआरसीबी रुपीज 5,000. हमने चेक इशू किया और वो बैंक में प्रेजेंट भी हुआ, लेकिन हमने ही नहीं दिखा सकते, हम उसके एंट्री नहीं की. चेक इशूड एंड प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश. सो 5,000 का चेक है हमारा, हमने चेक इशू किया, हमने चेक इशू किया बट एंड इट इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. चेक प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट मतलब पासबुक को डेबिट हो गया, और जो हमने इशू किया तो हमने कैशबुक को क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन वो हमने नहीं किया. तो अल्टीमेटली क्या हो सर, 5,000 प्लस, बिल्कुल करेक्ट. ओम अथर श्रेयस उदय समृद्धि सुपर. सो 5,000 ही हो जाएगा प्लस, सो एड में लिखा जाएगा नंबर 7, चेक इशूड एंड प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बट एनआरसीबी रुपीज 5,000. Got it? Next, number 8, cashbook debit balance rupees 1,000 brought forward as 10,000. कैशबुक का डेबिट बैलेंस 1,000 था, उसकी जगह हमने 10,000 लिया. डेबिट का बैलेंस डेबिट में लिया लेकिन 10,000 लिया. तो जब बैलेंस की गड़बड़ हो जाए तो किस तरह से किया जाएगा, देखिए कैशबुक का डेबिट बैलेंस कितना बैलेंस था, बेसिकली 1,000 ये बैलेंस था, 1,000 बैलेंस था जो कि आपने नहीं लिया. तो जो बैलेंस आपने लेना था, जहां लेना था वहां नहीं लिया, ये 1,000 नहीं लिया, मतलब ये 1,000 हो गया माइनस, इतना कम हो गया ना. और कितना लिया, 10,000, वो 10,000 लिख दीजिएगा. जो लेना था वो नहीं लिया, मतलब उतना कम हो गया, और जो लिया उतना बढ़ गया. सो अल्टीमेटली 1,000 लेना था वह नहीं लिया, इसलिए उसको माइनस 1,000, और जो लिया 10,000 वो लिख दीजिएगा. सो अल्टीमेटली इसका जो इफेक्ट आएगा इट इज व्हाट, 9,000 माइनस 1,000 एंड 10,000. पहले इंटरनल डिफरेंस देखिए कितना है, माइनस 1,000 एंड 10,000, योर डिफरेंस इज 9,000 एंड ऊपर साइन अप देखिए क्या है, ऊपर है प्लस, सो ये हो जाएगा इट इज प्लस 9,000. एब्सोल्युटली करेक्ट अथर आदित्य उदय गौरी गरिमा श्रुतिका यश, करेक्ट, इट इज प्लस 9,000. सो एड में लिखा जाएगा नंबर 8, कैशबुक डेबिट बैलेंस रुपीज 1,000 ब्रॉट फॉरवर्ड एज रुपीज 10,000. 9,000
क्लियर ओम अस्मिता दिस स्टेटस किंग यार तुम ना तुम्हारे नाम से ज्वाइन करो यार ये फालतू के नाम मत रखा करो यहाँ पर आई डोंट लाइक इट तुम अपने नाम से ज्वाइन करो नंबर 9 कैश बुक क्रेडिट बैलेंस रुपीज 5000 ब्रॉट फॉरवर्ड एज डेबिट बैलेंस रुपीज 500 कैश बुक क्रेडिट बैलेंस 5000 ब्रॉट फॉरवर्ड एज डेबिट 500 अब इस बार क्रेडिट का बैलेंस डेबिट में नहीं है ये पहली गलती 5000 का 500 हो गया ये दूसरी गलती तो अल्टीमेटली व्हाट विल बी रिकंसिलिएशन इफेक्ट व्हाट विल बी रिकंसिलिएशन इफेक्ट माइनस कह रहे अथर्व एंड वेदांत और बाकी बच्चे ऐड कह रहे 5500 आरती भी माइनस कह रही है गौरी प्लस कह रही है तृप्ति माइनस कह रही है आदित्य ऐड अथर्व माइनस वेदांत प्लस सार्थक प्लस रितिका आई गेस कुछ नहीं मतलब 5500 प्लस एक तो बात अच्छी है सर सब जन 5500 कह रहे हैं वो ऐड के लिए बस इतना ही झगड़ा है खुशी कह रही है माइनस और उत्कर्ष कह रहा है प्लस इसमें यश कह रहा है माइनस और दिया कह रही है प्लस पार्थ 5500 नेगेटिव अच्छी बात है सर अच्छी बात है मेरा जो आंसर है अभी कैश का क्रेडिट बैलेंस था 5000 वो आपने डेबिट में लिया तो देखिए सबसे पहले तो क्रेडिट में बैलेंस था 5000 वो आपने क्रेडिट में नहीं लिया मतलब वहां हो गया माइनस और कहां लिया वो लिया आपने डेबिट में वहां हो गया प्लस बस दैट्स इट सो माइनस 5000 एंड ऊपर साइन माइनस सो माइनस माइनस ये हो गया आपका प्लस 5000 और ये जो 500 डेबिट में है ऊपर साइन प्लस सो ये प्लस 500 यस बेटा योर आंसर इज प्लस 5500 इज करेक्ट क्रेडिट का बैलेंस क्रेडिट में नहीं लिया मतलब वहां हो गया माइनस सो माइनस 5000 और ऊपर साइन माइनस है उसके लिए सो माइनस 5000 माइनस इट इज प्लस 5000 और जो आपका 500 डेबिट में है उसके ऊपर तो प्लस साइन ही है गॉट इट और ये कुछ नहीं मतलब ये प्लस है ना आपका सो इट इज 5500 इज प्लस भाई जिनका जिनका आंसर नेगेटिव आया था माइनस आया था क्या उनको क्लियर है क्या प्लीज 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 ऑलमोस्ट हाफ स्टूडेंट का आंसर पॉजिटिव हाफ स्टूडेंट का आंसर नेगेटिव था जिनका जिनका गलत गया था क्या उनको समझ में आ गया अरे भाई बोलो 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 सो आ जाएगा प्लस 5500 ऐड भी लिखा जाएगा रिप्लाई करें बच्चे रिप्लाई करो नंबर 9 कैश बुक क्रेडिट बैलेंस रुपीज 5000 ब्रॉट फॉरवर्ड एज डेबिट बैलेंस रुपीज 500 5500 यस बहुत सारे अंगूठे आ गए पार्थ के काले भी आ गए नेक्स्ट नंबर 10 कैश बुक क्रेडिट बैलेंस रुपीज
6,500 brought forward as 5,600. Cash book credit balance 6,500 brought forward as 5,600. बताइए बेटा इसका आंसर क्या आएगा? अब मैं चाहूंगा कि इसमें आपका करेक्ट आंसर ही आए। गिव मी योर आंसर, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ठंडे दिमाग से करें सर, शांति से करें, गड़बड़ ना करें, चीजें बहुत सिंपल होती है। ओम और समृद्धि का आंसर है प्लस 900। गरिमा सार्थक उदय अथर तनिष्का श्रुति का पूजा वैष्णवी सिद्धि तृप्ति पार्थ आरती ऑल आर सेइंग 900 ओनली। सुपर्ब सर, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे जा रहे हैं बच्चों आप लोग, क्योंकि आपका कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस था 6,500। सो हाउ इट विल बी सीन नंबर 10, आपका क्रेडिट बैलेंस था 6,500, वो आपने नहीं लिया। सबसे पहली बात, जो नहीं लिया वो माइनस, और क्या लिया 5,600, लेकिन वो कहाँ लिया वो नहीं दिया। मतलब ये है कि जो क्रेडिट में लेना था क्रेडिट में ही लिया आपने, लेकिन कितना लिया 5,600। सो पहले तो इसका इंटरनल देखिए क्या हुआ, माइनस 6,500 एंड 5,600, सो दिस इज बेसिकली माइनस 900, लेकिन माइनस 900 ऊपर साइन क्या है माइनस, सो माइनस माइनस इट विल बिकम प्लस। सो योर फाइनल आंसर इज प्लस 900, इट इज प्लस 900, और सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है। मेरे जितने भी आंसर्स यहाँ पर बच्चों ने दिए हैं उसमें से किसी का भी आंसर नेगेटिव नहीं है, वेरी गुड, शाबाश। सो ये प्लस में लिखा जाएगा नंबर 10, नंबर 10 कैश बुक क्रेडिट बैलेंस रुपीज 6,500 ब्रॉट फॉरवर्ड एज रुपीज 5,600, इट इज 900। नेक्स्ट, कैश बुक डेबिट बैलेंस रुपीज 800 नॉट ब्रॉट फॉरवर्ड, लिया ही नहीं सर हमने, कैश बुक का डेबिट था, गलत या साइड गलत कुछ भी नहीं हमने लिखा ही नहीं। सो कैश बुक का डेबिट बैलेंस था 800 जो कि हमने नहीं लिया, तो क्या हो जाएगा ये नंबर 11, ये 800 का जो डेबिट था ये आपने लिया ही नहीं, मतलब जो लेना चाहिए था वो नहीं लिया, बाकी तो कुछ किया ही नहीं आपने। सो माइनस 800 एंड ऊपर प्लस, सो माइनस प्लस इट इज माइनस 800, इट इज माइनस 800 विल बी योर आंसर। सो नंबर 11, श्रेयस बेटा एक बार चेक करके देखो, इट इज नॉट प्लस इट विल बी माइनस। अरे भाई क्यों डिलीट कर दिया, गलत तो गलत, ठीक है बेटा समझ जाओ ना। कैश बुक डेबिट बैलेंस रुपीज 800 नॉट ब्रॉट फॉरवर्ड, ओ माय गॉड, मैंने इसको इधर कैसे लिखा सर, लिस्ट में जाएगा प्लीज, माय मिस्टेक, इट्स 11, कैश बुक डेबिट बैलेंस रुपीज 800 नॉट ब्रॉट फॉरवर्ड। भाभी पाल आर्या समृद्धि संयुक्ता की फर्क आए, मैंने गलती से आयर में लिखा था, वो इंसान हो गलती होती है भाई, पर अच्छा आप लोग ध्यान रख रहे थे, अच्छी बात है। नेक्स्ट नंबर 12,
कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹6,000 डेबिटेड टू कैश बुक ₹600. कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹6,000 डेबिटेड टू कैश बुक ₹600. चलो आप करो इसको. अथर्व का आंसर आ गया, साथ में ओम. आदिति, श्रेयस, अक्षय, उदय, यश, समृद्धि, दिया, श्रुतिका, सिद्धि, सुपर्ब सर्स, ऑल बच्चे करेक्ट है. हमने कैश विड्रॉ की, हमने कैश विड्रॉ की, इसका मतलब नंबर 12, हमने कैश विड्रॉ की मतलब आपके पासबुक को डेबिट हो गया, क्योंकि बैलेंस कम हो गया, तो 6,000 रुपये यहाँ डेबिट में. और हमने पैसे विड्रॉ किए तो एक्चुअली आपके कैशबुक के क्रेडिट में आना चाहिए था 6,000. अगर ऐसा हो जाता तो 6,000 प्लस एंड 6,000 माइनस, देर इज नो रिकन्सेशन, जीरो इफेक्ट. बट वॉट हैपन हियर दैट एक तो हमने कैश पासबुक में क्रेडिट हुआ, लेकिन जो कैशबुक को क्रेडिट होना चाहिए था वो कैशबुक को क्रेडिट नहीं हुआ, वो कैशबुक को डेबिट हुआ, साइड गलत, ऊपर से अमाउंट भी गलत, 600 लिखा. सो अल्टीमेटली पासबुक को 6,000 प्लस एंड कैशबुक पे भी 600 प्लस, तो 6,000 प्लस 600 प्लस, सो दिस व्हाट अल्टीमेटली प्लस 6,600. सुपर करेक्ट, ये ऐड में आ जाएगा नंबर 12. नंबर 12 सर, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹6,000 recorded on debit side of cash book, recorded on debit side of cash book ₹6,600. ठीक है, नेक्स्ट नंबर 13. कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ₹2,500 recorded as cash withdrawn from bank. Recorded as cash withdrawn from bank. Actually हमने cash deposit की, तो अब मैं जरा ये second part पे लिखता हूँ यहाँ पर. नंबर 13, हमने डिपॉजिट किए 2,500, तो ये हमारे कैशबुक को डेबिट होना चाहिए एंड पासबुक को क्रेडिट होना चाहिए था 2,500. लेकिन जहां तक पासबुक का सवाल है, पासबुक में गलती नहीं हुई है, लेकिन हमने डिपॉजिट करने के बाद एक्चुअली डेबिट करना चाहिए था, लेकिन हमने डेबिट के जगह सर हमने विड्रॉल वाली एंट्री कर दी, मतलब हमने कैशबुक को क्रेडिट कर दिया. So 2,500 minus and 2,500 minus. दोनों जगह minus minus. So it is minus 2,500 and minus 2,500. So ultimate effect is yes, beta minus 5,000. Absolutely
क्रिकेट 5000 माइनस हो जाएगा लेस में नंबर थर्टीन कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹3000 recorded as cash withdrawn. Next, cash withdrawn from bank ₹5000 recorded in cash book ₹500. Cash withdrawn from bank 5000 recorded in cash book ₹500. हाँ कैश इनटू बैंक रुपीज ओके बेटा ओके मैं समझ नहीं पाया क्या हुआ कहते 2500 अल्टीमेटली 5000 लेकिन करेक्ट था ओके थैंक यू सो मच नंबर 14 कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 5000 रिकॉर्डेड इन कैश बुक 500 हमने बैंक से पैसे विड्रॉ किए नंबर 14 हमने बैंक से पैसे विड्रॉ किए तो मच 5000 सो पासबुक को क्रेडिट पासबुक को डेबिट हो गया 5000 क्योंकि हमने पैसे विड्रॉ किया बैलेंस कम हो गया और हम इसके एंट्री कैश बुक भी करेंगे हमारा बैलेंस कम हो गया तो कैश बुक को क्रेडिट 5000 ऐसा होना चाहिए था अगर ऐसा होता तो 5000 प्लस 5000 माइनस देयर इज नो नीड ऑफ रिकंसीडरेशन बट बेटा हमने कैश बुक में लिखते कितना लिखा 500 जो हुआ वो देखो उसका रिकंसीडरेशन होता है सो अल्टीमेटली पासबुक को डेबिट 5000 वहां प्लस एंड कैश बुक को क्रेडिट 500 वहां माइनस सो दिस इज नेट इफेक्ट 5000 प्लस एंड माइनस 500 इज प्लस 4500 सो फाइनल इफेक्ट इज प्लस 4500 गॉट इट सी हो जाएगा एंड ये हो जाएगा एंड नंबर 14 कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 5000 रिकॉर्डेड इन कैश बुक 500 दिस इज 4500 नेक्स्ट सैलरी पेड बाय चेक ₹2000 बट एनआरसी हमने हमारे एम्प्लॉय को सैलरी दी उसने वो चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया और बैंक ने उसका पेमेंट भी कर दिया लेकिन हमने कैश बुक में नहीं लिखा सिंपल है ये नंबर 15 सो एम्प्लॉय ने चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया बैंक ने पेमेंट कर दिया सो बैंक ने हमारे अकाउंट को डेबिट कर दिया बैलेंस कम हो गया पासबुक को डेबिट लेकिन हमने कैश बुक में नहीं लिखा तो एंट्री से पासबुक के डेबिट में हो गए ऊपर साइन है प्लस सो अल्टीमेटली दिस इज व्हाट योर आंसर इज बोलिए बेटा जल्दी से यस इट इज प्लस 2000
एकदम करेक्ट, श्रेयस कौन से आ गया 2000, अथर्वी 2000, समृद्धि 2000, आर्या, उदय, श्रुतिका, आदिति, यस वंडन 2000 प्लस ये जाएगा एट नंबर 15। सैलरी पेड बाय चेक, रुपीज 2000 बट इन आर्स इट्स 2000। खुशी पार्थ गरिमा यस, सिद्धि ऑल आर करेक्ट, तृप्ति ऑल्सो करेक्ट, और बेटा जरा समझ में आ रहा है तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा, चैट बॉक्स में नहीं लाइक पर लाइक कर दीजिएगा, देखते सर 50 बच्चे हैं, देखते कितने लाइक्स होते हैं, दो बच्चों को हमारा लेक्चर पसंद नहीं आया कोई बात नहीं बेटा, अगर कुछ क्वेरी है नहीं समझा तो डाल दीजिएगा चैट बॉक्स में, समझा देता हूँ, ठीक है। नंबर 16, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक रुपीज 1000, रिकॉर्डेड इन कैश बुक रुपीज 100। लाइक्स में अभी भी बहुत कंजूसी है बच्चों की, क्या बात है भाई, नाराज हो तो जितने प्रेजेंट उतने लाइक तो बनने चाहिए। चलिए नंबर 16, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक रुपीज 1000, रिकॉर्डेड इन कैश बुक 100। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया तो इसका मतलब ये हो जाएगा पासबुक को डेबिट 1000, सॉरी पासबुक को क्रेडिट हो जाएगा, तो हमारा बैलेंस बढ़ेगा, पासबुक को क्रेडिट होगा और हमने इसको लिखा, हमारा बैलेंस बढ़ गया, हमने भी इसको कैश बुक में लिखा, लिखना था डेबिट में 1000 लेकिन मैंने लिखा कितना सिर्फ 100, सो जो लिखा वो लिखिएगा, सो अल्टीमेटली 1000 माइनस एंड 100 प्लस, इट इज माइनस 900, नेट डेबिट इज माइनस 900। पूजा, उदय, अरे भाई श्रेयस, योर आंसर इज प्लस 900, इट इज नॉट बिट ऑफ प्लस 900, इट विल बी माइनस 900। पासबुक बैंक ने इंटरेस्ट दिया ना हमको, अलाउ किया, हमारा बैलेंस बढ़ गया ना, बढ़ गया तो पासबुक का क्रेडिट, तो क्रेडिट में 1000 ऊपर साइन माइनस है, तो माइनस 1000 एंड प्लस 100, द नेट इफ इट इज माइनस 900, प्लीज रेक्टिफाई इट। सो हो जाएगा लेस 16, नंबर 16, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक रुपीज 1000, रिकॉर्डेड इन कैश बुक रुपीज 100, सो दिस इज व्हाट 9। नेक्स्ट नंबर 17, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक रुपीज 200 बट एनआरसीबी, बैंक ने हमें बैंक चार्जेस चार्ज किए लेकिन हमने उसे बैंक कैश बुक में नहीं लिखा, नो बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक नंबर 17, बैंक ने चार्जेस चार्ज कर दिया तो हमारा बैलेंस कम हो गया, बैलेंस कम हो गया तो पासबुक को डेबिट रुपीज 200 ऊपर साइन प्लस, ये हो जाएगा
प्लस टू एंड बेटा, दो सौ ही है ना, यस ये हो जाएगा एंड नंबर 17 बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक बट एनआरसी 250 सॉरी 200 नेक्स्ट 18 कैशबुक क्रेडिट साइड अंडर कास्ट रुपीज 500 कैशबुक क्रेडिट साइड अंडर कास्ट रुपीज 500 कैशबुक के क्रेडिट साइड में 500 अंडर कास्ट हो गया मतलब शॉर्ट हो गया तो क्या करेंगे सर 18 नंबर कैशबुक के क्रेडिट साइड में 500 रुपए अंडर कास्ट मतलब 500 रुपए माइनस हो गए कम हो गए कास्टिंग मतलब टोटल में कम हो गया सर सो फाइंड इट माइनस सो माइनस 500 एंड माइनस 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 विल बिकम प्लस 500 ये हो जाएगा ऐड आज मेजॉरिटी ऐड में आ गया ऐसा कुछ नहीं होता कि ऐड में ज्यादा आते हैं लेस में कम आते ऐसा कुछ नहीं है ठीक है राइट डाउन कैश बुक क्रेडिट साइड अंडर कास्ट स्पाइन प्लस नेक्स्ट 19 अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड कैश अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक रुपीज 4000 बट एनआरसी कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दिए लेकिन हमने उसकी एंट्री नहीं की सो 4000 कस्टमर ने डिपॉजिट कर दिया तो एंट्री कैशबुक में सॉरी पासबुक में हो गई और इससे हमारा बैलेंस बढ़ गया तो पासबुक को क्रेडिट 4000 ऊपर साइन माइनस लेकिन कैशबुक में एंट्री नहीं हुई है तो सिर्फ पासबुक में एंट्री 4000 ऊपर साइन माइनस ये हो गया लेस सो 19 कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक रुपीज 4000 बट और लीजिए सर आखिरी करते नंबर 20 बैंक पेड टेलीफोन बिल एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन रुपीज 1200 बट एनआरसी बैंक पेड टेलीफोन बिल एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन रुपीज 1200 बट एनआरसी बैंक ने हमारा टेलीफोन बिल पेड किया रुपीज 1200 बैंक हमने इंस्ट्रक्शन देकर दी जब भी हमारा टेलीफोन बिल ड्यू होगा आप उसका बिंदास पेमेंट कर दीजिएगा और उसी किसी बैंक ने पेड कर दिया लेकिन हमने इसकी एंट्री नहीं की सो इट इज रिकॉर्डेड ओनली इन पासबुक और बैंक ने पेमेंट कर दिया सो हमारा बैलेंस कम हो गया सो पासबुक को डेबिट हो गया 1200 ऊपर साइन है प्लस सो दिस इज व्हाट प्लस 1200 फाइनली इट इज प्लस 1200 ये हो जाएगा ऐड सो टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड बाय बैंक रुपीज 1200 बट एनआरसीबी बेटा एग्जाम में एनआरसीबी नहीं लिखने का एग्जाम में पूरा लिखने का नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ठीक है
चलिए फाइनली क्लोज कर देते हैं एंड गिव मी द आंसर। सभी ऐड की टोटल आउटर लीजिए अब आप लोग। Is it 67,500? Please check. Yes, 67,400, 67,400, and 60,000 is 1,27,400. Then taking this 1,27,400 on the next page, less key total 5 10 15 और 5 20 और 4 24 25 700. So is it 1,01,700? Please check. और जो बैलेंस आपको दिया गया था इट वॉज क्रेडिट एंड एज पर दी पासबुक, सो जो आएगा वो अपोजिट बैलेंस अपोजिट बुक, सो देयरफॉर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 1,01,700 दिया, बिल्कुल करेक्ट। शेष क्या करके रखा है बेटा, 11,250 कैसे आए? प्री चेक करो, सारे आंकड़े आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर ठीक है, दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स बेटा। लास्ट लेक्चर में आपकी डिप्रेशन की टेस्ट मैंने आपको व्हाट्सएप पे पेपर भेज दिया था, उसका आंसर शीट भी मैंने भेज दिया है आपको, ठीक है? वो आप चेक करके देख ले कि उसको कितने मार्क्स आ रहे हैं करके। डू योर प्रॉपर जजमेंट, डू द प्रॉपर एनालिसिस, ठीक है? और आज मैं 4 बजे आपको BRS का पेपर भेज दूंगा, ठीक है? BRS की टेस्ट आज होगी, 4 बजे मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं आपको पेपर भेज दूंगा और उसके इमीजिएटली बाद उसका आंसर की भी आपको आ जाएगा, ठीक है? ईमानदारी से आपने पेपर को सॉल्व करना है, नंबर वन। नंबर टू, 12th की जो अकाउंट्स की बैच है वो हमारी, जैसे 11th की रिवीजन खत्म हो जाएगी वो हमारी बैच स्टार्ट हो जाएगी। 12th मैथ्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है एंड फाउंडेशन की भी हमारी अकाउंट और मैथ्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है? बहुत जल्द हमारा लेक्चर अब ऐप पर शिफ्ट हो जाएगा, सो माई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट काइंडली पे योर फीस। फीस पेड करने के बाद आपको आपका जो कोड है वो आपको कोड दिया जाएगा, सीरियल की आपको दी जाएगी जो कि आप ऐप पर एक्टिवेट करेंगे और फिर आपका लेक्चर स्टार्ट होगा। आपकी सीरियल की आपको फी पेड करने के बाद ही मिलेगी। सो माई काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट हु वॉन्ट्स टू डू ज्वाइन फॉर द फाउंडेशन बैच, काइंडली पे द रिक्विजिट फीस एंड फॉर द 12th अकाउंट्स एंड मैथ्स प्लीज पे द रिक्विजिट फीस। 12th के बाकी सब्जेक्ट जो है और फाउंडेशन के जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं वो हम लोग आने वाले समय में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? अभी हमारा फोकस अकाउंट्स और मैथ्स पर है। 12th OC SP इको का सब लेक्चर्स हमारा मई लास्ट वीक में हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सो विद दिस थैंक यू सो मच, बाय बाय। टुमारो हम लोग 11th अकाउंट्स का रिविजन करेंगे फॉर कैश बुक। थैंक यू सो मच, बाय बाय।